नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा और एस्ट्रो गुरु के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एनटीवी ह्यूस्टन। सबसे पहले हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में, आपका आज का दिन कैसा रहेगा। और मित्रों, उसके बाद हम चर्चा करेंगे 12 राशियों के बाद राहु और चंद्र युति के बारे में कि ये योग बनने से किन किन चीज़ों की हमें सावधानी रखनी है और क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। तो बात करेंगे राहु और चंद्र युति के बारे में 12 राशियों के बाद। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वालों का आज का दिन ठीक नहीं है, कार्यों में अड़चने रुकावटें पैदा होंगी। आज के दिन अगर आप कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी मत खरीदें, पोस्टपोन कर दें। स्पेशली आज के दिन कोई दुर्घटना होने के चांसेस हैं। और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करें, आपका बना बनाया काम आज के दिन बिगड़ सकता है। अगर आप करना चाहते हैं ओम हंग हनुमते नमः का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आप कुछ दान पुण्य करना चाहते हैं तो आप लाल कपड़ा मंदिर में दान दें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर लाल आप टावल मंदिर में दान दे सकते हैं, या फिर किसी मांगने वाले को आप दान दे सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बेस्ट रेमेडी फॉर टुडे के छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर गुस्सा मत करें। बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ अच्छा होगा, अचानक धन प्राप्ति के योग हैं। और स्टूडेंट, अगर अपने आप लोगों ने कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है उसका अगर आप वेट कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आज के दिन। और कुल मिलाकर आपके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। अगर आप किसी नए कार्य के ऊपर काम आज से शुरू करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता ही मिलेगी। कुल मिलाकर दिन आपका बहुत ही शुभ है। बात करेंगे मित्रों मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए दिन ठीक नहीं है, कफ विकार एलर्जी ये प्रॉब्लम आपको आज के दिन हो सकती है। और कोशिश ये करें कि आज के दिन कर्जे से बचें। आज के दिन आप सोच सकते हैं कि मैं इतना कर्जा उठा लेता हूं और ये कर्जा मैं जल्दी जल्दी चुका दूंगा, तो आपको कर्जा चुकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कर्जे से बचें। और दूसरा मिथुन राशि वालों के लिए ये बात ध्यान रखने वाली है कि आज के दिन स्पेशली डबल माइंड बिल्कुल भी मत हो, एक तरफ होकर एक नाव में पैर रख के चलें, वरना आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। करना चाहते हैं ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सह बुद्धाय नमः का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरा, आप अपना हाथ लगाकर हरा टावल आप मंदिर में दान दे सकते हैं, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। बात करते हैं मित्रों कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए दिन बहुत ही ख़राब है। वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं तो जीवन साथी से लड़ाई झगड़े होंगे आज के दिन। काम में आपके अड़चने रुकावटें पैदा होंगी, मानसिक रूप से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। और कोशिश करें ओम भ्रांग ब्रिंग भ्रोंग सह रावे नमः का पाठ करें। दूसरा सबसे बड़ा रेमेडी, सबसे बड़ा उपाय आपके लिए यह है कि अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके चलें। और आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर गुस्सा बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं, और स्पेशली किसी भी चीज़ को लेकर डबल माइंड बिल्कुल भी मत हो। आज के दिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि वैवाहिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, वरना बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो सकता है और ये झगड़ा काफ़ी आगे तक जा सकता है। बात करेंगे सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, कार्यों में सफलता मिलेगी, आप अपनी मेहनत से सारे कार्य संपन्न करेंगे। और आज के दिन अगर आप किसी कार्य के पीछे लगे हुए हैं, आज के दिन आपके अंदर ये खास बात रहेगी, उसको आप पूरा करके ही छोड़ेंगे। कुल मिलाकर दिन बहुत शुभ है। सिर्फ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वाहन आदि चलाने में विशेष ध्यान रखें, आज के दिन कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो एक तांबे के लोटे के अंदर थोड़ा सा गुड़ भरकर आप मंदिर में दान दें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं मित्रों कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, भाग्य पूरा साथ देगा, कार्यों में सफलता मिलेगी। आप आज के दिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप काफ़ी डबल माइंड हो सकते हैं, तो डबल माइंड बिल्कुल भी मत हो। अपनी सोच समझ से ही अपने कार्यों को संपन्न करें, किसी तीसरे आदमी की वजह से और उसके कहने में आकर कोई कार्य बिल्कुल भी मत करें। आपको इस चीज़ का विशेष आज के दिन ध्यान रखना है, वरना काफ़ी आपका नुकसान हो सकता है।
और अगर आप करना चाहते हैं बुद्ध देवता का आप मंत्र करें, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सै बुधाय नमः का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं मित्रों तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज के दिन सोने पे सुहागा वाली बात है, दिन बहुत ही अच्छा है, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। और स्पेशली इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आज के दिन अगर कोई नया ऑफर आता है उसके ऊपर गौर करें, उसको सीरियस लें। और आज के दिन पिता के साथ मिलकर आप कुछ नया करने की सोच सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और आज के दिन अगर आप कोई नया कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता ही मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए दिन बहुत ही शुभ है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, तो कोशिश करें छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा बिल्कुल भी मत करें, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। संचित पूंजी को सोच समझ कर ही खर्च करें। और आज के दिन कुछ जल्दी में ऐसा हो सकता है कि घर में कोई आप चीज़ खरीदना चाहते हैं और आप जल्दी जल्दी में उसको खरीद लें, तो कोशिश करें कि जल्दी में बिल्कुल भी घर की कोई चीज़ आज के दिन स्पेशली मत खरीदें, वरना कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको वो चीज़ पसंद नहीं आए, दो दिन के बाद आप पछताएं कि भाई ये चीज़ मैंने क्यों ले ली। गुस्से के ऊपर कंट्रोल करके चलें। और अगर आप करना चाहते हैं हनुमान चालीसा का आप पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं मित्रों धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, खर्चा होगा, जायज़ चीज़ों के ऊपर खर्चा करेंगे आप। अगर आपने कोई नया घर लिया है, घर के अंदर फर्नीचर लेंगे, फर्नीचर या कोई भी आप घर से रिलेटेड आज के दिन आप चीज़ें खरीदेंगे। दिन आपका शुभ है बट खर्चा भरा दिन रहेगा। और अगर आप करना चाहते हैं ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः का आप पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप चने की दाल भी मंदिर में दान दे सकते हैं, क्योंकि आज के दिन कोई दुर्घटना होगी तो आपकी लापरवाही की वजह से आज के दिन कोई दुर्घटना हो सकती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। बात करते हैं मित्रों मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉब में हैं तो वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है आज के दिन। और स्पेशली अपने मन को आज के दिन स्ट्रॉन्ग बनाएं, आपका मन काफ़ी परेशान हो सकता है किसी चीज़ को लेकर कि आपका ये काम क्यों नहीं हो रहा या आपका ये काम क्यों नहीं हो रहा। कोशिश करें आज के दिन अपने मन को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाएं मकर राशि वाले, और किसी भी चीज़ को अपने दिल से मत लगाएं, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ आपका भाई बंधु मित्र आपको परेशान कर सकता है, आपका दिल आपका दुखा सकता है, कि जिसकी वजह से आप कंटिन्यू अंदर सोचते रहें और बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से पूरा दिन आप परेशान रहें, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। बेस्ट उपाय आपके लिए अगर आप करना चाहते हैं काले कुत्ते को आप रोटी खिलाएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और दूसरा अगर आप करना चाहते हैं तो आप केतु का मंत्र करें, ओम स्ट्रांग श्रिंग स्ट्रोंग सह केतुए नमः का पाठ करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और या फिर आप किसी मांगने वाले को खाना खिलाएं, ये उपाय भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए परिवार में झगड़े, धन हानि, कोशिश करें अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके चलें और परिवार में अपने बड़ों की बात माने। आज के दिन कुछ ऐसा हो सकता है कि बड़े बुजुर्ग आपको कुछ समझाना चाहते हैं और आप उनकी बात नहीं माने, और ये उनकी बात ना सुनना आपके लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो सकता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। शनि का मंत्र करें, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बात करते हैं मित्रों मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है, कार्यों में सफलता मिलेगी, धन लाभ अच्छा होगा। और आज के दिन अगर आप किसी कार्य में जुटे हुए हैं वो कार्य आपकी मेहनत से सफल होगा, तो मेहनत करना स्पेशली आज के दिन बिल्कुल भी मत छोड़ें। कुल मिलाकर दिन आपका शुभ है। और मीन राशि वालों के लिए आने वाले दो हफ्ते बहुत ही अच्छे हैं। कुल मिलाकर आज का दिन आपका शांति भरा जाने वाला है। तो मित्रों ये था 12 राशियों का राशिफल। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे
राहु और मून कंजंक्शन के बारे में कि राहु और चंद्रमा अगर हमारी कुंडली में कहीं पर बैठे हुए हैं तो क्या क्या हानि हमें पहुंचा सकते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए एस्ट्रो गुरु, मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा मुलाकात करूंगा आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मनपसंद सुपरमार्केट जहां की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फ्रूट आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेगी और हलाल ज़बीहा मीट भी मिलेगा। दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद। लोकेटेड एट विलक्रिस ड्राइव ह्यूस्टन, नॉर्थ हाईवे एंड विलियम कैनन ड्राइव ऑस्टिन टेक्सास। तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपरमार्केट। Come see me, Salman, at Car Time Auto Repair at 10713 West Belford, Houston, Texas, 77099. Quality work that rivals any dealership. At Car Time, we don't replace parts, we fix cars. We pride ourselves on getting the job done right the first time. Car Time Auto Repair, located at 10713 West Belford. Call us today, 832-743-8180. नमस्कार प्रिय मित्रों, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु। और आज मैं बात करूंगा मित्रों राहु और चंद्र की युति के बारे में। अगर हमारी कुंडली में या आप लोगों की कुंडली में कहीं पर भी राहु और चंद्र की युति है, बहुत से लोगों के अधिकतर मैं कुंडलियां देखता हूं, ये राहु और चंद्र की युति देखने को मिलती है। दोनों राहु और चंद्रमा एक साथ बैठे होते हैं और इसका बहुत ही खराब प्रभाव हमारे मानव जीवन पर पड़ता है। तो मित्रों आज जो हम बात करेंगे राहु और चंद्र की युति अगर हमारी कुंडली में कहीं पर है उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और मित्रों आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चंद्रमा सवा दो दिन तक, ढाई दिन तक एक राशि के अंदर रहता है और ये पूरा राशियों में 12 के 12 राशियों में चक्कर लगाता है। तो आपको बताना चाहूँगा कि एक महीने के अंदर ये योग एक बार बनता है और कोई भी बच्चा अगर इस योग के अंदर पैदा होता है, सवा दो दिन के लिए ये योग आता है, सवा दो दिन के लिए, कई बार दो दिन के लिए, तो उस दो या ढाई दिन में आप देख सकते हैं कि कितने लाखों बच्चे पैदा होते हैं इस योग के साथ। तो मेरे मन में आ जाया कि इसी के ऊपर आज हम टॉपिक बनाकर मैं बात करता हूँ और मैं अंत में आपको ये बताऊँगा अगर आपकी कुंडली के अंदर भी ये योग है तो क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। तो मित्रों अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्र और राहु का योग है तो सबसे बड़ा इफेक्ट जो इसका हमारे मानव जीवन पर पड़ता है, जो लोग बच्चे हैं काफ़ी डर डर कर अपना जीवन बिताते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है, पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा वो वीक होते हैं, उनका मनोबल बार बार बढ़ाना पड़ता है और उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, यंग हो जाता है, तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसको पहले से डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि मेरा ये काम कैसे होगा, मेरा ये काम कैसे होगा, और वो सोचता पूरी लाइफ उसकी डिप्रेशन में निकल जाती है। और बुढ़ापे के अंदर मित्रों ये योग क्या करता है, अगर बुढ़ापे में ये योग का इफेक्ट ये होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा अपमानित फील करते हैं, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम अंदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। बुढ़ापे में ये योग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं मित्रों, अगर ये योग भी अगर आपकी कुंडली के बना हुआ है तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। और मित्रों सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाव क्या है, अगर ये योग आपकी कुंडली में राहु के साथ छठे स्थान में, आठवें स्थान में, बारहवें स्थान में बना हुआ है तो ये बहुत ही ख़राब योग है मित्रों। छठा स्थान रोग का स्थान है, अगर आपकी कुंडली में ये योग है आप हमेशा बीमार रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में ये योग आठवें स्थान में बनता है, आठवां स्थान मृत्यु स्थान है,
बहुत ही ज़्यादा खराब है, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। और अगर आपके 12वें स्थान में बनता है, बहुत ही ज़्यादा खराब है, पैसा आपके पास टिकेगा नहीं, आप जेल जा सकते हैं। और यही योग अगर चतुर्थ स्थान में बनता है तो पूरी ज़िंदगी आप लगा देते हैं कि मैं अपना एक मकान बनाऊंगा, और आप बहुत कोशिश करते हैं, आपका अपना मकान नहीं हो पाता। और चतुर्थ स्थान में ये योग बनने से आपकी माता से भी अनबन रहती है, और या फिर माता का हेल्थ बहुत ही ज़्यादा उनकी ख़राब रहती है, आपकी माँ की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहेगी। और मित्रों, अगर कुंडली में ये योग है तो कैसी कैसी बीमारियाँ होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी भी कुंडली में ये योग है तो ये योग इतना ख़राब योग है मित्रों, इससे टीबी की बीमारी, ब्रेस्ट कैंसर और ब्लड कैंसर जैसी बीमारियाँ, खतरनाक बीमारियाँ हमें हो सकती हैं। कई बार डिप्रेशन के कारण चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, सोच कर आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार आपको डिप्रेशन के कारण रात को नींद भी नहीं आती। और महिलाएं, उनके लिए स्पेशली, क्योंकि चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, उनके लिए स्पेशली अगर उनकी कुंडली में ये योग बना हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है मित्रों। और कई बार आदमी इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। तो मित्रों, इसमें इस राहु के चंद्रमा के बैठने से क्या हुआ, इसके अंदर चंद्रमा को ग्रहण लग गया। और राहु, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आकाश में आप सूर्य देख सकते हैं, चंद्र देख सकते हैं, मंगल देख सकते हैं, पर राहु और केतु जो कि एक छाया ग्रह है, इनको आप देख नहीं सकते। तो राहु की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। जैसे कि कोई आदमी गन लेकर खड़ा हुआ है, आप उसके साथ खड़े हैं, तो आपके मन में हमेशा भय रहेगा कि वो मुझे कहीं गोली ना मार दे। तो मित्रों, अगर ऐसा योग कुंडली में बना हुआ है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। और कई बार ये योग इतना ख़राब होता है कि चंद्रमा, जैसे कि जल का भी कारक है, हमारे गुर्दों के अंदर पानी भर जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे, अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग बना हुआ है तो कोशिश करें अपने चंद्र को मजबूत बनाएं, चंद्रमा के मंत्र जाप करें। सिर्फ आपको बताना चाहूँगा कि सफ़ेद दान बिल्कुल भी मत करें अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग है। तो इसी के ऊपर टॉपिक करने का मेरा मकसद है कि अधिक से अधिक लोग इस शो को देखें और लाभ उठाएं। और मित्रों, ज्योतिष का, जैसे कि मैंने अभी आपको ये बात बताई है कि ये योग हर महीने आता है, हर महीने 2, 2.5 दिन के लिए ये योग बनता है, और हज़ारों बच्चे पैदा होते हैं। और मेरे पास ऐसे कई केस आते हैं, आजकल सीजेरियन सेक्शन से बच्चे पैदा होते हैं, ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं। तो साइंटिफिक तौर पर मित्रों, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप में से किसी का ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने वाला है, तो आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर से सलाह कर, जोशी से सलाह करके, व्हाट वी कैन डू, एक अच्छा ऑपरेशन का टाइम निकाल कर ज्योतिष के हिसाब से, कि इस टाइम से लेकर इस टाइम तक अगर ऑपरेशन किया जाए तो ये योग नहीं आएगा। मैंने बात की थी मांगलिक की, तो हम ये चीज़ भी ऑपरेशन से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर से सलाह करके हम ये चेक कर सकते हैं जिन महिलाओं के ऑपरेशन से बच्चा पैदा होने वाला है, कि अगर मांगलिक बच्चा ना हो, मैं ऐसी कुंडली निकाल सकता हूँ कि कौन कौन सा टाइम बेस्ट है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कौन सी कुंडली फ्यूचर में, अगर हम कैलकुलेट करके ये चीज़ निकाल सकते हैं कि ये कुंडली बेस्ट है, अगर इस डेट के अंदर इतने बज के इतने मिनट पर ऑपरेशन किया जाए तो बहुत ही अच्छी बच्चे की कुंडली आएगी। और इसके अंदर मैं मित्रों सक्सेसफुल भी हुआ हूँ। अगर आपका भी कोई सवाल जवाब है तो नीचे लिखे फ़ोन नंबर पर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। और मित्रों, ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर आप लोगों की कुंडली में ऐसा योग है तो क्या क्या उपाय करने चाहिए। और देखते रहिए एस्ट्रो गुरु, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करूँगा। मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा, तब तक के लिए नमस्कार।
नाम रोशन होगा, काम बेहतरीन होगा। चैनल साइंस हो, पोस्टर्स हो या बिलबोर्ड्स, हर तरह की साइन के लिए सिर्फ एक ही नाम, एवॉन साइंस। रिलायबल सर्विस और किफायती दाम, याद रखिएगा सिर्फ एवॉन साइंस का नाम। 832-649-7534 info@evonscience.com। रास्ते का खाना खाना हो, जो मीठा तीखा खट्टा हो, हर तरह की चाट, डोसा, गुजराती या पंजाबी थाली, इस फूड का क्वालिटी और इसका टेस्ट आपको सीधा बिना फ्लाइट के मुंबई पहुंचा देगा। लस्सी, पराठे खाना हो तो ये सब रास्ते का खाना खाने चलते हैं खाने के रास्ते पर। चौपाटी चाट कंपनी, हिलक्रॉफ्ट, 5711 हिलक्रॉफ्ट एवेन्यू, 832-203-7965। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो गुरु, मैं पंडित मोहित कपिल शर्मा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्र युति अगर आपकी कुंडली में है तो ये हमें किस किस टाइप की बीमारियां दे सकते हैं और इनसे बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहु चंद्र अगर आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हुए हैं तो कोशिश करें अपने चंद्र को मजबूत बनाएं, बिल्कुल भी सफ़ेद दान मत करें। और राहु क्या है, जैसे कि ये चंद्र है, ये राहु है, राहु और चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं, राहु अपनी छाया चंद्र पर डालने की कोशिश करता है और चंद्रमा भय के कारण अपसेट रहता है। कई बार राहु और चंद्र अगर आपकी कुंडली में है, आप बहुत ही ज़्यादा भ्रमित रहेंगे, आपको मति भ्रम रहेगा, आप बहुत ही ज़्यादा वहमी होंगे, बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे। तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आप ये उपाय अवश्य करें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्णमासी से एक दिन पहले आप खीर बना लें सुबह के टाइम पे, और पूर्णिमा वाली रात को वो खीर आप चांदनी रात में खुले में रखें, ऊपर एक हल्का सा कपड़ा डाल दें और वो खीर चांद की रोशनी में रखें और अगले दिन उस खीर को खाएं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो मित्रों आपको बता रहा हूँ कि ये खीर खाने से आपका मनोबल मजबूत होगा, अगर कोई बीमारी है वो ख़त्म होगी, और बहुत ही शानदार उपाय है ये, आपको हर पूर्णिमा पे करना है। पूर्णिमा वाले दिन आप सुबह खीर बना लें और रात को वो खीर आप चांद की रात में खुले में रखें, पूरी रात वो खीर खुले में पड़ी रहे और अगले दिन आप वो खीर खा लें। ये लगाएं कि वो खीर आपके लिए दवाई का काम करेगी। और दूसरा मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी दिन अगर कोई ग्रहण आता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण है या फिर कोई चंद्र ग्रहण है, मैं आपको एक मंत्र बताना चाहता हूँ। उस ग्रहण वाले दिन जितने भी घंटे के लिए वो ग्रहण रहता है, चाहे वो 2 घंटे है, 3 घंटे है, 5 घंटे है, कंटिन्यू जोत जलाकर मंदिर के सामने सफ़ेद कपड़े आप धारण करें, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, और सिर पर आप सफ़ेद रुमाल रखें और ओम एं क्लीं सोमाय नमः का आप पाठ करें। जितनी अधिक से अधिक माला आप कर सकते हैं ग्रहण के दिन, ये माला का रेगुलर डे में आप करें ज़रूर, एक माला का आप रोज़ पाठ करें सुबह, और स्पेशली ग्रहण वाले दिन मित्रों ये पाठ ज़रूर करें। मंत्र मैं आपको दोबारा बोलूँगा, ओम एं क्लीं सोमाय नमः। जितना जिस टाइम पर, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, जिस टाइम पर ग्रहण शुरू होता है, नहा धोकर आप जोत जलाकर सफ़ेद वस्त्र धारण करके आप ये माला लेकर और ये मंत्र जाप आप शुरू कर दें और कंटिन्यू ये मंत्र करते रहें, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो। सिर्फ मित्रों यह एक ऐसा रामबाण उपाय है, अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग है तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई बीमारी आने वाली है वो बीमारी बिल्कुल भाग जाएगी, आपका मनोबल 100% मजबूत होगा और राहु एकदम वीक हो जाएगा ये उपाय करने से, क्योंकि ग्रहण में किया हुआ मंत्र, कोई मंत्र ग्रहण में अगर आप एक बार करते हो तो उसका 1000 बार असर होता है। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है कि अधिक से अधिक
जितना ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण के टाइम पर ये आप मंत्र कर सकते हैं उतना आप करें। और मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि अगर सुबह के टाइम आप जैसे नहाते हैं सोमवार के दिन स्पेशली, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्थ ख़राब है, तो थोड़ा सा दूध लेकर आप अपना पानी की बाल्टी में डाल दें और उससे आप नहाएं। एवरी डे आप ये उपाय करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपको बताना चाहूँगा ये उपाय करने से आपकी हेल्थ ठीक होगी, आपका मन मजबूत होगा, और कोई दुर्घटना होने वाली है तो वो भी ये उपाय करने से टल जाएगी। और मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि अधिक से अधिक हो सके, चंद्र क्या है, चंद्र पानी का कारक भी है, चंद्र हमारे मन का कारक है, अधिक से अधिक हो सके आप पानी पिएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये भी एक उपाय है, अधिक से अधिक आप पानी पिएं, क्योंकि चंद्र क्या है कि अगर आपका चंद्र खराब हुआ आप डिप्रेशन में आकर कई बार खाना पीना भी छोड़ देते हैं। कोशिश करें अधिक से अधिक पानी भी पिएं, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि स्पेशली सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र जरूर धारण करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और घर के अंदर पूरे घर में आप वाइट बल्ब, मूनलाइट वाला बल्ब लगा के रखें घर पर, कोशिश करें कहीं पर भी पीला बल्ब बिल्कुल ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये युति आपकी कुंडली में है तो कई बार हमारे ऊपर ऊपरी बाधा आत्माओं का असर भी हो सकता है अगर आपकी कुंडली के अंदर ये दोष है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अधिक से अधिक हो सके ये उपाय आप अवश्य करें। कई बार ये जो मैंने आपको बताया है कि चंद्र और राहु की युति होने से कई बार हम नींद में खड़े होकर चलने भी लगते हैं, ये भी एक बीमारी, अगर हमारी कुंडली में ऐसा योग है तो ये बीमारी भी होने के चांसेस रहते हैं। तो मित्रों मंत्र जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, एक माला आप रोज करें, और स्पेशली ग्रहण वाले दिन चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, कंटिन्यू इस मंत्र का आप जाप करें, और पूर्णिमा वाले दिन आप दिन में खीर बना लें और रात को आप वो खीर पूर्णिमा वाले दिन बाहर रख दें चांद की रोशनी में और अगले दिन उसको खाएं, और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें, दूध से नहाएं, थोड़ा सा आधा गिलास दूध आप अपनी बाल्टी में डालकर उससे आप नहा लें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, अधिक से अधिक पानी पिएं। और मित्रों अगर आपकी कुंडली के अंदर ये योग है और आपका कोई और सवाल जवाब रह गया है तो नीचे लिखे ईमेल के ऊपर आप मुझे ज़रूर ईमेल करें, और यही इस शो का मकसद है, अधिक से अधिक लोग इस शो को देखें और लाभ उठाएं। और मित्रों अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीक ही मैंने ये योग एक कुंडली देखा है, ये योग मैंने एक कुंडली के अंदर देखा है, और वृश्चिक लग्न की ये कुंडली थी और धनु राशि यानी कि दूसरे स्थान में राहु और चंद्रमा ये बैठे हुए थे। स्पेशली इस लेडी को मैंने सजेस्ट किया था कि अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें, क्योंकि राहु दूसरे स्थान पर नीच का बैठा हुआ था, और इस लेडी का प्रॉब्लम यही था कि और सूर्य इसकी कुंडली में लगन में बैठा हुआ है, इस लेडी को मैंने स्पेशली बोला था कि अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करके चलो। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा इस लड़की ने अपनी जॉब खो दी, क्यों, क्योंकि अपनी गंदी वाणी के कारण, राहु की वजह से गुस्से में आकर कुछ भी बोल दिया उसने और उसको अपनी जॉब खोनी पड़ी। तो मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि ज्योतिष एक सागर है, अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी ये डिफरेंट डिफरेंट फल देता है कि राहु और चंद्र कहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल वे में बताया है कि ये क्या क्या बीमारियाँ दे सकते हैं, और ये उपाय आप ज़रूर करें। अगर आपकी कुंडली में ये योग है आप नीचे लिखे ईमेल के ऊपर आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और बर्थ समय भेज सकते हैं और मैं ज़रूर जवाब दूंगा। और देखते रहिए एस्ट्रो गुरु, मैं आपके लिए नए नए टॉपिक लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।